Hello friends, welcome to HRIQ Education. Friends, पिछले कुछ वीडियो में मैं लेबर लॉ का जो सीरीज़ लेके आया हूँ उससे पहले MCQs का सीरीज़ चल रहा था और अब एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ सब एक्ट को. तो आज हम लेके आए हैं एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923. तो क्या है ये एक्ट, इसका कुछ हिस्ट्री और कुछ अमेंडमेंट्स और उसके साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस और पेनल्टीज, ये सब इस वीडियो में कवर किया जाएगा. फ्रेंड्स, आपको एंड तक देखना है क्योंकि अगर आप आधे में छोड़ दें तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? तो आपको एंड तक देखना है क्योंकि अगर आप सोच लो कि आप 10 मिनट देख लो और बाकी 10 मिनट आपको छोड़ दिया टाइम ना होने के कारण, तो उस वहाँ उसके उस पोर्शन से अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आपका तो लॉस ही हुआ. अगर देखेंगे तो लास्ट तक ही देखेंगे. अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक करके या फिर डाउनलोड करके रख दीजिए, उसके बाद जब टाइम मिलेगा आराम से देख लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो से शुरू करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोगों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके. तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो जो लेके आया है एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, जो आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट जो भी CIL का एग्ज़ाम हो या फिर नेट का एग्ज़ाम हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगा उस एग्ज़ाम में, ठीक है? तो शुरू करते हैं. हमारा है एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923. तो किस एक्ट को फॉलो करते हुए ये एक्ट बना था? ब्रिटिश कॉम्पेंसेशन लेजिस्लेशन, जो भी ब्रिटिश का वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन लेजिस्लेशन था उस एक्ट को फॉलो करते हुए ये एक्ट बना था. अगर क्वेश्चन कहाँ पर आता है कि एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 वॉज पैटर्न आफ्टर व्हिच एक्ट, तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना है उसमें से, ऑप्शन में से व्हिच एक्ट, ब्रिटिश वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट, ठीक है? क्लियर. तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. तो पहले एम्प्लॉयर को पांच तरह की डिफेंसेस मिलता था पहले. फाइव डिफेंस मतलब ये जो अवॉइड करने में एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन जो कॉम्पेंसेशन देना है तो उसको अवॉइड करने में एम्प्लॉयर को पांच डिफेंस मिलता था. वो पांच डिफेंस क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ अज्यूम्ड रिस्क, डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन एम्प्लॉयमेंट एंड फेलो सर्वेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सनल क्लेम कम्स टू एन एंड विद द डेथ ऑफ आइदर पार्टी, डॉक्ट्रिन ऑफ अननोन पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? ये सब आपको समझना भी नहीं है पर आप बस आपकी जानकारी के लिए ही था. अज्यूम्ड रिस्क मतलब पहले अगर कोई रिस्की सिचुएशन होता था तो उसको मान के अगर किसी का डेथ या फिर कोई हो गया उसका मतलब एक्सीडेंट, तो उस टाइम में ये पॉइंट को हिसाब पे लेकर उसको नहीं दिया जाता था एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन. और सेकेंड पॉइंट में क्या है? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब एम्प्लॉयर के हिसाब से भी नेग्लिजेंस है और वर्कमैन के हिसाब से भी नेग्लिजेंस है, दोनों तरफ से अगर नेग्लिजेंस है तो भी नहीं दिया जाता था. और थर्ड पॉइंट में क्या है? कॉमन एम्प्लॉयमेंट एंड फेलो सर्वेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर कोई एक ही जगह पे एम्प्लॉयमेंट है, अगर आपकी दोस्त या फिर जो भी कोवर्कर है उसका कोई गलती के वजह से, ठीक है, उसका कुछ गलती के वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया तो भी आपको नहीं मिलेगा. और थर्ड पॉइंट पे क्या है? फोर्थ पॉइंट पे है डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सनल क्लेम कम्स टू एन एंड विद द डेथ ऑफ आइदर पार्टी. तो ये पॉइंट में क्या होता था? एम्प्लॉयर या फिर जो भी डिसीज्ड एम्प्लॉय या फिर जो भी एक्सीडेंट जिसका हुआ है विक्टिम, तो वो दोनों का किसी भी एक पार्टी का अगर डेथ हो जाए तो इस पॉइंट को हिसाब से लेकर कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता था. तो इस तरीके में बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयर लोग करते थे क्योंकि वर्कर लोगों के पास तो उस टाइम में पावर नहीं था या फिर मनी भी नहीं था, तो उनको मार देते थे या फिर ऐसा कुछ करते थे इलीगल एक्टिविटीज़ इस पॉइंट को लेकर, तो कॉम्पेंसेशन उनको नहीं मिलता था. तो उसके बाद लास्ट पॉइंट पे है डॉक्ट्रिन ऑफ अननोन पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो
अगर किसी एक कौन से भी लोगों का, मतलब कोई भी कोवर्कर हो या फिर कोई भी हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसकी गलती के कारण ये एक्सीडेंट हो गया, अगर आपका डेथ हो गया या फिर आप डिजेबल हो गए, तो वहाँ पे भी नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ पे आप प्रूफ नहीं कर सकते कि किसके कारण ये हुआ है, जो गलती, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, किस हुआ था, किसके कारण हुआ था, ये आपको प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रूफ के अभाव से ये पॉइंट होता था। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण ये सारे प्रीवियसली एम्प्लॉयर को पावर देता था स्पेशली टू टॉर्चर द वर्कमैन, ठीक है, टू गेट रिड ऑफ द एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन, क्लियर। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा जो भी एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 है, ये पहला सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है इंडिया का, फर्स्ट, इस पॉइंट पे यही लिखा है, इंडियाज़ फर्स्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। ये ईयर से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी फर्स्ट है, उसके बाद क्या क्या है लेजिस्लेशंस। तो मैं आपको बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू द ईयर, पहले आपका ये एक्ट हो गया 1923 में, और उसके बाद आता है आपका ट्रेड यूनियंस एक्ट। ट्रेड यूनियंस एक्ट कब है, 1926 में, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये कब है, 1936 में, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बाद, तो उसके बाद आता है आपका 1946 में स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट आता है आपका 1946 में। तो 1947 में भी है एक एक्ट, कौन सी एक्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में है। और 1948 में दो एक्ट्स हैं, सॉरी 1948 में दो एक्ट्स हैं, एक तो आपका फैक्ट्रीज एक्ट हो गया और दूसरा आपका हो गया 1948 में ईएसआई एक्ट। ये भी दोनों एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ईएसआई एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में, ये दो एक्ट है। तो उसके बाद है 1952 में आपका माइंस एक्ट, 1952, ठीक है। तो 1952 के बाद आपका आता है, और हाँ 1952 में और भी एक एक्ट है, 1952 में आपका ईपीएफ एक्ट भी है, एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में है। और उसके बाद है 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो 1965 में है कौन सी एक्ट, 1965 में है आपका पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस एक्ट है आपका 1965 में। तो उसके बाद आ गया आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है आपका 1900, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है, 1970। और 1972 में आपका है ग्रेचुइटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट है आपका 1972 में। तो 72 के बाद आता है आपका 1976 में इक्वल रिमुनरेशन आपका है 1976 में। और 76 के बाद आपका 1979 में भी है, 1979 में एक एक्ट है, उसको आप बोलते हैं कि शायद इंटरस्टेट माइग्रेंट, हाँ इंटरस्टेट माइग्रेंट, माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट जो है वो 1979 में है। और उसके बाद है आपका 1986 में, ठीक है, 1986 में आपका हो गया चाइल्ड लेबर एक्ट, चाइल्ड लेबर, ठीक है। ये सब आपका जो भी लेबर एक्ट है, ये सब यही है, ठीक है। और 2013 में भी आपका जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आया था 2013 में, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013। तो ये सब आपको, ये सब का ईयर आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं,
ये पांच डॉक्ट्रिन तो अपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1924। तो एक्ट कब लागू हो गया था? 1 जुलाई 1924 को। और उसका पहले उसका नाम था वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट, और बाद में उसका नाम चेंज होकर हो गया एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट। किस ईयर के अमेंडमेंट पे ये हुआ था? 2009 के अमेंडमेंट में। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं ये जो नेम जो चेंज हुआ था वो किसके रिकमेंडेशन से चेंज हुआ था। ये सेकंड एनसीएल जो है आपका 2002 में हुआ था, उसके रिकमेंडेशन में उसका नाम चेंज होकर हो गया था एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन एक्ट। तो सेकंड एनसीएल है आपका 2002 में। तो फर्स्ट एनसीएल कब बना था? 1969 में आपका फर्स्ट एनसीएल बना था, सेकंड एनसीएल 2002। ये दोनों आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको आपको ये जो की प्रोविजंस है, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस, ये सब मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सब भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्शियल डिसेबलमेंट है आपका, सेक्शन याद रख लेना नहीं चाहिए, सेक्शन याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है इस आर्ट का। बस आपको याद रख लेना चाहिए किसको पार्शियल बोलते हैं, किसको टोटल डिसेबलमेंट बोलते हैं। पार्शियल अगर कोई एक भी एक हाथ टूट गया या फिर एक पैर आपका फ्रैक्चर हो गया या फिर एम्पुटेशन हो गया, एम्पुटेशन मतलब अलग हो गया, ठीक है, ये आपका बॉडी है तो ये आपका पैर यहाँ से अलग अगर हो गया कोई एक पैर, तो इसको हम एम्पुटेशन बोलेंगे। दोनों पैर जो भी अलग हुआ तो उसको एम्पुटेशन ही बोलेंगे। पैर या फिर लेग आपका मतलब हैंड हाथ पैर जो भी अलग हो गया उसको हम एम्पुटेशन ही बोलेंगे। तो किस किस को हम टोटल डिसेबलमेंट बोलते हैं? लॉस ऑफ बोथ हैंड्स, अगर आपका दोनों हाथ चला गया, और एम्पुटेशन एट हायर साइड्स में अगर आपका एम्पुटेशन हो गया, ठीक है, मतलब हाथ का ऊपरी हिस्सा में अगर दोनों हाथ चला गया उसका एम्पुटेशन हो गया, अलग हो गया शरीर से, तो उस समय आपको टोटल डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलेगा, तो उसको आप टोटल डिसेबलमेंट मानोगे। और लॉस ऑफ ए हैंड एंड ए फुट, यहाँ पे भी दो चीज़ें आपका लॉस हो रहा है, एक हाथ और एक फुट, ठीक है। अगर डबल एम्पुटेशन थ्रू लेग और थाई, डबल एम्पुटेशन इधर भी है, यहाँ पे एम्पुटेशन थ्रू वन लेग और थाई एंड लॉस ऑफ फुट, एक आपका लेग और थाई जा रहा है और एक फुट भी जा रहा है, ठीक है। तो जिस जिस जगह में आपका दो दो एम्पुटेशन होगा, दो केसेस आपका अगर हो गया, अगर आप दो तरीके से डिजेबल हो गए, तो उसको आपको टोटल डिजेबलमेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ ही है, अगर आपका दृष्टि शक्ति अगर आपका चला गया, लॉस ऑफ साइट ब्लाइंडनेस, ओके, जो भी ब्लाइंडनेस वो आप उस ब्लाइंडनेस में आप कोई भी काम नहीं कर सकते, उसको हम टोटल डिसेबलमेंट मानेंगे। और उसके बाद है आपका फेशियल डिसफिगरमेंट, अगर आपका फेशियल स्ट्रक्चर कोई भी एक्सीडेंट के वजह से बहुत ही बिगड़ गया, ठीक है, तो आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते, तो उसको भी हम टोटल डिसेबलमेंट ही मानेंगे। और लास्ट में है एब्सोल्यूट डीफनेस, अगर आप डीफ हो गए, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, तो आप काम कैसे करेंगे? अगर कोई इमरजेंसी सायरन बजेगा तो भी आपको सुनाई नहीं देगा, तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसी के वजह से ये भी इंक्लूड किया गया टोटल डिसेबलमेंट में। तो उसके बाद है डिपेंडेंट, सेक्शन 2D में, उसको याद रख सेक्शन को याद रख लेना चाहिए। उसके बाद है आपको वेजेस, क्या क्या वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाता? ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं किया जाता, पेंशन नहीं किया जाता, और स्पेशल एक्सपेंसेस जो भी है एम्प्लॉयर की तरफ से वो आपके वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। क्या क्या किया जाता है उसे याद रखने के बजाय क्या क्या नहीं किया जाता उसे याद रख लेना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं, एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ पर्सनल इंजुरी इज कॉज टू एन एम्प्लॉई बाय एन एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये पॉइंट में लिखा है कि ये दोनों जो पार्ट है, अराइज एनी एक्सीडेंट, अगर कोई भी एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ, ये दोनों टर्म आपको याद रख लेना चाहिए, अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ, ये दोनों केस में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एम्प्लॉयर उस केस में लायबल है कॉम्पेंसेशन देने के लिए,
अकॉर्डिंग टू द लॉ एम्प्लॉयर कंपेंसेशन देगा। पर ये दोनों केस में भी कोई कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो क्या है, किस केस में ये केस हो गया फिर भी एम्प्लॉयर नहीं देगा। अगर एम्प्लॉई अल्कोहल की इन्फ्लुएंस में है या फिर ड्रग्स की इन्फ्लुएंस में है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, पर अगर उसका कोई माइन्यूट इंजरी हुआ तो एम्प्लॉयर नहीं देगा। अगर उसका टोटल डिसेबलमेंट हो गया या फिर उसका डेथ हो गया तो एम्प्लॉयर देगा, ठीक है। इस केस को आपको समझ लिया होगा ठीक से। तो सेकंड केस क्या है, विलफुल डिसोबीडियंस। अगर सेफ्टी के रिगार्डिंग, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉयर कोई लॉ बनाता है या फिर कुछ भी डायरेक्शन आपको मिलता है, अगर एम्प्लॉय उसको जानबूझकर मानता नहीं है तो उस केस में एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेशन नहीं देगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड केस, विलफुल डिसोबीडियंस। और थर्ड केस क्या है, अगर कोई सेफ्टी गार्ड, अगर तो समझो सेफ्टी गार्ड क्या हो गया, आपका हेलमेट हो गया या फिर ग्लोव्स हो गया या फिर अगर आपका शूज़ हो गया, ये सब सेफ्टी गार्ड्स है, तो इसको ना पहनते हुए अगर कोई डेंजरस सिचुएशन में वो काम कर रहा है अपनी इच्छा से, ठीक है, तो उस केस में भी उसको नहीं मिलेगा। इस केस में विलफुल रिमूवल ऑफ एनी सेफ्टी गार्ड्स और डिसरिगार्ड, अगर नहीं मान के वो काम कर रहा है तो उस केस में भी उसको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आता है एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कौन से केस को हम एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानेंगे। जो भी कॉजल कनेक्शन बिटवीन एक्सीडेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एक्सीडेंट या एम्प्लॉयमेंट के बीच में कोई कॉजल कनेक्शन है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही उसका एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसको हम मानेंगे एक्सीडेंट अराइजिंग आउट ऑफ। और दूसरा जो पॉइंट है, एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको हम किसको मानेंगे, द टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। मतलब अगर आप कहीं ड्यूटी गए हो और शेड्यूल टाइम उसके बीच का जो समय, ये दो गैप के बीच में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको हम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानेंगे, ठीक है। तो आपको नीचे वाला पॉइंट में ये सब पता चल जाएगा। नीचे वाला जो पॉइंट है, अगर एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉयर या फिर उसका एजेंट, ठीक है, उसका एजेंट के ऑर्डर के हिसाब से नीचे वाले पॉइंट में अगर काम कर रहा है तो उसको हम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानेंगे। अगर उस टाइम कुछ एक्सीडेंट हुआ तो अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मानेंगे। पहले तो आपका हो गया पावर फेल्यूर, ठीक है, पावर फेल्यूर की वजह से आपका इंटरप्शन होता है काम में, तो उस बीच में अगर एम्प्लॉयर या फिर उसका एजेंट जो भी है, सुपरवाइजर जो भी है, उसके ऑर्डर के हिसाब से आप उस टाइम पे भी काम कर रहे हो तो आपको माना जाएगा, जो एक्सीडेंट अगर हो गया तो उस एक्सीडेंट को माना जाएगा अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट में क्या है, अगर आप अराइवल टाइम या फिर शेड्यूल टाइम में जो गैप है, उस गैप के समय अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, सपोज़ आप 9:30 पे पहुँचते हो ऑफिस में और आपका काम शुरू होना चाहिए 10 बजे तक, 10 बजे से आपका काम शुरू होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, टाइम टेबल जो भी आपको प्रोवाइडेड होता है, 10 बजे से आपका काम शुरू होता है। ये जो 30 मिनट्स का जो गैप है, उस टाइम में अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयर के ऑर्डर या फिर उसका आपका सीनियर जो भी है, एम्प्लॉयर जो भी आपको आपका सीनियर जिसको बनाया है, उसके ऑर्डर के हिसाब से अगर आप वहाँ पे हैं एक्सीडेंट के प्लेस में, तभी आपको माना जाएगा अराइजिंग एनी एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर उसका ऑर्डर के हिसाब से आप नहीं हैं, अगर आप मनमानी कर रहे हैं वहाँ पे, अपने इच्छा में आप गए हैं काम पे, उस आधे घंटे में आपको नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट तो गया, हाँ थर्ड पॉइंट है जो शेड्यूल टाइम एंड डिपार्चर टाइम। जैसे पहला हो गया, आप जाके पहुँचते एक टाइम में और काम शुरू होता है एक टाइम से, ठीक है, और दूसरा है आपका काम यहाँ पे एंड होता है, ठीक है, सपोज़ आपका 5 बजे से आपका काम एंड होता है और आप 5:30 से वहाँ से निकले, ये जो 30 मिनट्स का गैप है, 30 मिनट्स आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं कोई भी एग्जांपल, ये जो 30 मिनट्स का गैप है, तो उस टाइम पे भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको भी हम ले लेंगे अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर उस टाइम पर आपको प्रेजेंट रहना चाहिए अकॉर्डिंग
टू द ऑर्डर ऑफ योर सीनियर और द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो टाइम स्पेंड इन ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम वर्क, अगर जो ट्रैवलिंग के समय आपका जो टाइम स्पेंड होता है उस टाइम पे भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम मानेंगे कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एनी एक्सीडेंट। तो उसके बाद का स्लाइड देखते हैं। इफ एनी एम्प्लॉय इज नॉट एक्टिंग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द एम्प्लॉयर इन द अबव केसेस, अगर कोई भी एम्प्लॉय, मैंने ये भी बोला था कि ये सब केसेस में आपको एम्प्लॉयर के ऑर्डर के हिसाब से ही काम करना है, तभी भी ही आप एलिजिबल हो सकते हैं जो भी कंपेंसेशन के लिए, ठीक है, तभी ही माना जाएगा उसको अराइजिंग एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आप ऑर्डर के हिसाब से नहीं काम कर रहे हो तो उसको नहीं माना जाएगा, यही लिखा है इस पॉइंट में, ठीक है, ये पॉइंट में यही लिखा है। और उसके बाद आता है एन एक्सीडेंट कैन नॉट बी कंसिडर अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो कौन सी केस में आप कोई एक्सीडेंट कंसिडर नहीं कर सकते अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कौन सी केस में, ठीक है। परफॉर्मिंग ए डिफरेंट वर्क व्हिच इजंट असाइंड टू हिम, अगर कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है जो उसको असाइन नहीं किया गया, ठीक है, उसको असाइन जो वर्क किया गया है उससे अलग कोई वर्क अगर वो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है तो उस हिसाब से उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, डूइंग एन अननेसेसरी वर्क और एनी पर्सनल वर्क, अगर कोई मतलब नेसेसरी नहीं है वो काम, उस समय वो काम नेसेसरी नहीं है, आप अपने मनमानी से वो काम कर रहे हो, अगर आप ऑन ड्यूटी आप कोई पर्सनल वर्क आप कर रहे हो तो उस टाइम में भी उस हिसाब से आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसके लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट में केयरलेसनेस इन डूइंग एनी वर्क, अगर आप कोई वर्क केयरफुली नहीं कर रहे हो तो उस हिसाब से भी आपको कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर आपको नेचुरल डिजास्टर के वजह से कोई इंजरी लगा है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपको कंसिडर नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अगर आपका एम्प्लॉयमेंट किसी प्लेस में है जो कि प्रोन है नेचुरल डिजास्टर में, अगर आप किसी खुले जगह में आप काम कर रहे हो, अगर कोई लाइटनिंग हो गया, अगर कोई थंडर या लाइटनिंग उस समय हो गया, उस हिसाब से आपको अगर इंजरी लगता है या फिर कोई फ्रॉस्ट बाइट, जैसे यहाँ लिखा है फ्रॉस्ट बाइट या फिर स्नेक बाइट अगर हो गया, तो उस हिसाब से अगर आपको इंजरी या फिर आपका डेथ हो गया तो आपको कंसिडर किया जाएगा, अगर आप एक प्लेस में काम कर रहे हो जो कि एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकता है नेचुरल कॉज से, तो आपको कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका प्लेस दूसरा है और आप और एक दूसरे प्लेस में हो, उस टाइम अगर कोई नेचुरल डिजास्टर सच एज लाइटनिंग और फ्रॉस्ट बाइट और स्नेक बाइट ऐसा कुछ होता है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगर आपका कोई इलनेस है उसके वजह से कोई इंजरी हो रहा है आपको एक्सीडेंट के वजह से, तो भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप ड्रंकन कंडीशन में हो काम पे तो भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप एक प्लेस में सपोज हो उस टाइम पे जब एक्सीडेंट होता है, पर आपका प्लेस ये है काम करने का प्लेस, आप इस प्लेस में हो एक्सीडेंट के समय, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके या फिर आपके कोई कोलिग के बीच में कोई झगड़ा हो गया, इस हिसाब से आपको अगर कोई असॉल्ट हो गया आपके बीच में, कोई टकरार हो गया या फिर कोई झगड़ा हो गया, मारामारी हो गई, तो उस असॉल्ट के वजह से आपको कोई इंजरी पहुंचता है या फिर आपका डेथ हो जाता है, तो भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये तो आपका आपस का मामला है, यहाँ पे एम्प्लॉयर का कोई भी भूमिका नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका एनी एक्सीडेंट अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अराइजिंग आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कोई भी पार्ट अगर आपका समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपका ऑक्यूपेशनल डिजीजेस जो भी है, ठीक है, या आपका शेड्यूल थ्री में आता है जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस है, और कोई भी अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, दो से ज़्यादा एम्प्लॉयर है उनके अंडर आप काम कर रहे हो, तो आपका पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन कैसे डिसाइड होगा, कौन डिसाइड करेगा आपका वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन कमिश्नर जो भी होगा वो आपका कॉम्पेंसेशन
अमाउंट जो भी है, मतलब जो भी प्रोपोर्शन किसी एक एम्प्लॉयर किसका प्रोपोर्शन कितना प्रोपोर्शन देगा, ये एम्प्लॉयर कितना प्रोपोर्शन देगा, वो डिसाइड करेगा वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन कमिश्नर। ये पॉइंट आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्पेंसेशन, डेथ के हिसाब से आपको कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ये जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ ये एग्ज़ाम में बार बार आता है, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको रट लेना चाहिए, याद रख लेना चाहिए, ठीक है। तो डेथ के हिसाब से आपको कितना मिलेगा, 50% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय द रिलीवेंट फैक्टर। तो रिलीवेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है आपका कितना समय बाकी था डेथ के समय से, आपका कितना समय एम्प्लॉयमेंट में बाकी था काम करने के लिए, कितना ईयर आपका बाकी था और आपका सैलरी, ऐसे कुछ रिलीवेंट फैक्टर एक है उसका टेबल है, वो हमें नहीं चाहिए। बस इसे आपको याद रख लेना चाहिए कि कॉम्पेंसेशन फॉर डेथ कितना होता है, 50% ऑफ द मंथली वेजेस, जो भी आपका मंथली वेजेस होगा उसका 50% मल्टीप्लाइड बाय जो भी रिलीवेंट फैक्टर होगा, ठीक है, और ₹1,20,000 विच एवर इज मोर। ये तो आपको याद रखना ही चाहिए, विच एवर इज मोर या लेस, विच एवर इज मोर। अगर ये अमाउंट ज़्यादा है तो ₹1,20,000 मिलेगा, अगर ये जो 50% ऑफ मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड बाय रिलीवेंट फैक्टर, ये अमाउंट अगर ज़्यादा है तो ये मिलेगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक जो भी ज़्यादा है वही मिलेगा आपको कॉम्पेंसेशन फॉर डेथ, डेथ के टाइम पे ये आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो उसके बाद आता है परमानेंट टोटल डिजेबलमेंट में केस में आपको कितना कॉम्पेंसेशन मिलेगा। यहाँ पे है 50% ऑफ मंथली वेजेस और यहाँ पे है 60% ऑफ मंथली वेजेस। रिलीवेंट फैक्टर तो दोनों में ही है, पर यहाँ पे है 50%, यहाँ पे है 60% ऑफ मंथली वेजेस। और उसके और में क्या है, ₹1,40,000, ठीक है, विच एवर इज मोर। तो ₹1,40,000 विच एवर इज मोर, यहाँ पे भी मोर ही है, पर वेज सीलिंग जो कैलकुलेट किया गया है इसमें ₹8,000 को वेज सीलिंग लिया गया है, ये आपको याद रखना ही चाहिए, ठीक है। ₹8,000 को इसमें आपका वेज सीलिंग लिया गया है इस एक्ट में, ये आपको याद रख लेना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन होता है वेज सीलिंग, ₹8,000 ही मैक्सिमम हिसाब किया जाता है, मैक्सिमम कैलकुलेट किया जाता है ₹8,000, ठीक है। उसके अंदर जो वर्कर हैं वो पाएंगे ये कॉम्पेंसेशन, ₹8,000 को आपका वेज सीलिंग ही माना गया है इसमें, ठीक है। तो ये अमाउंट भी आपको याद रख लेना चाहिए, ये दोनों में से कोई भी हायर अगर होगा तो वो मिलेगा आपको परमानेंट टोटल डिजेबलमेंट के केस में। तो उसके बाद आते हैं परमानेंट पार्शियल डिजेबलमेंट के केस में। तो ये जो भी अमाउंट मिलेगा ये आपका परमानेंट टोटल डिजेबलमेंट के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया परमानेंट पार्शियल डिजेबलमेंट। और टेम्पोरेरी डिजेबलमेंट के केस में क्या मिलेगा आपको, ये है लिखा है आपका हाफ मंथली पेमेंट ऑफ द सम इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ द मंथली वेजेस। तो यही अमाउंट ही आपको याद रख लेना चाहिए, 25% ऑफ द मंथली वेजेस, ठीक है, जो भी इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट टू मतलब ये 25% ऑफ द मंथली वेजेस। तो उसके बाद आता है आपका टेम्पररी डिजेबलमेंट अगर 28 days से ज़्यादा हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों ही पॉइंट अगर 28 days से ज़्यादा हो गया कोई टेम्पररी डिजेबलमेंट, तो जो पेमेंट मिलेगा उसको 16th day से कैलकुलेट होगा, ठीक है, फ्रॉम द 16th day, फ्रॉम द डेट ऑफ डिजेबलमेंट, जिस दिन आपका डिजेबलमेंट हुआ उस दिन से 16 दिन आप गिन लीजिए। अगर आपका जनवरी, सपोज आपका फरवरी महीना तो अभी चल रहा है, उसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपका फरवरी 1 में आपका कोई डिजेबलमेंट हो गया, फरवरी 1 में, तो आपका कैलकुलेशन कितना होगा, अगर आप 28 दिन मतलब अगर आप 28 दिन क्रॉस कर गए उसके बाद ही आपका डिजेबलमेंट कंटिन्यू होकर रहा, आपका कैलकुलेशन होगा फरवरी 16 से, फ्रॉम द 16th day, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट में है वेयर टेम्पररी डिजेबलमेंट लास्ट फॉर लेस देन 28 days। अगर कहाँ पे टेम्पररी डिजेबलमेंट 28 days से लेस, 28 days से अगर कम रहा, तो पेमेंट इज टू बिगिन फ्रॉम द 16th day, 16th day से ही पेमेंट बिगिन होगा, पर पहला जो 3 दिन है उसको आपको लेना पड़ेगा वेटिंग पीरियड के हिसाब से।
तो आपका पेमेंट कब से कैलकुलेट होगा? 19th डे। एक्चुअल में तो आपका 19th डे से ही कैलकुलेट होता है, पर ऐसा लिखा गया है 16th डे पे कैलकुलेट होगा, पर फर्स्ट जो 3 डेज है उसके बाद से ही 16 डेज आपका कैलकुलेट होगा। फर्स्ट थ्री डेज आपका लिया गया है वेटिंग पीरियड के हिसाब से, फर्स्ट 3 डेज आपका लिया गया है वेटिंग पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका मैक्सिमम पीरियड ऑफ सच पेमेंट। ये जो भी टेम्पररी डिसेबलमेंट के केस में मैक्सिमम पीरियड कितना रहता है? 5 साल के लिए आपको पेमेंट मिलता है इस केस में। तो आपका फ्यूनरल एक्सपेंसेस कितना है? मिनिमम 5,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। किसको मिलेगा ये? एल्डेस्ट सर्वाइविंग डिपेंडेंट। जो भी आपका डिपेंडेंट सर्वाइव कर रहा है उसका उससे जो भी बड़ा है उसको मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कॉम्पेंसेशन। जो भी एम्प्लॉयर देना चाहेगा तो 1 मंथ के अंदर अंदर ही कंपेंसेशन मिल जाना चाहिए एम्प्लॉयर को। 1 मंथ के अंदर कंपेंसेशन देना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर को 1 मंथ के अंदर अगर कंपेंसेशन नहीं दे पाया तो उसको 12% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी एरियर होगा उसके बाद उसको 12% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा अमाउंट के लिए, ठीक है। तो अगर कोई जस्टिफाई नहीं करता डिले के लिए, नो जस्टिफिकेशन फॉर डिले, वो जस्टिफाई नहीं कर पाता किस कारण के वजह से डिले हुआ, तो उसके हिसाब से भी उसको पेनल्टी लग सकता है 50% ऑफ द अमाउंट पेएबल। जो भी अमाउंट अगर उसको सपोज 1 लाख रुपीज़ पे करना है तो वो कितना पे करेगा? 1.5 लाख, 50% ज़्यादा पे करेगा, ठीक है। अगर कोई फाटल इंजरी होता है उस केस में, तो फाटल इंजरी के केस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मंथ्स का ही वेजेस मिल सकता है एज कंपेंसेशन, ठीक है। वो क्या मिलेगा? एडवांस पेमेंट आपको 3 मंथ्स का वेजेस ही मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो जो एडवांस पेमेंट मिलेगा वो टोटल अमाउंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, टोटल अमाउंट से कम ही रहना चाहिए, या फिर समान भी रह सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता वो जो एडवांस पेमेंट मिलेगा इन केस ऑफ फाटल इंजरी। तो उसके बाद आता है आफ्टर गिविंग ए नोटिस ऑफ एक्सीडेंट टू द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉय नीड्स टू सबमिट टू ए मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन 3 डेज। मतलब जिस दिन आपको आपका नोटिस दे दिया एम्प्लॉयर को आपका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद आप 3 दिन के अंदर अंदर ही मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको सबमिट होना है, ठीक है, 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। द राइट टू कॉम्पेंसेशन में बी सस्पेंडेड इफ द वर्कर रिफ्यूजेस टू बी मेडिकल एग्जामाइंड, द वर्कर लीव्स द विसिनिटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। जिस दिन नोटिस हो गया उसके बाद अगर आप मना कर देते हो मेडिकली एग्जामाइंड होने के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप अगर मना कर देते हो, या फिर अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एंट्री करते हो उसके बाद अगर 3 दिन से पहले अगर निकल जाते हो, विसिनिटी से आउट हो जाते हो, विसिनिटी से बाहर चला जाते हो, तो उस केस में आपका कंपेंसेशन सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं एनी क्लेम बिफोर द कमिश्नर फॉर कंपेंसेशन इज प्रिफर्ड within 2 years of the occurrence of the accident, 2 years from the date of death, 2 years from the detection of symptoms of occupational disease। तो हर केस में आपका 2 साल ही लिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के अंदर अंदर ही क्लेम आपको करना है कोई भी कंपेंसेशन के लिए, किसके पास? वर्कमैन्स कंपेंसेशन कमिश्नर के पास क्लेम करना है। तो आपको याद रख लेना चाहिए ये एक्ट में आपका अथॉरिटी कौन है, वर्कमैन्स कंपेंसेशन कमिश्नर, ये आपका अथॉरिटी है ये एक्ट में, ठीक है। तो ये तीनों केस में ऑकरेंस ऑफ द डेथ मतलब एक्सीडेंट के ऑकरेंस जब हुआ था उस टाइम से 2 साल के अंदर अंदर, डेथ जब हो गया आपको 2 साल के अंदर अंदर, और जो भी आपका ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का अगर कोई सिम्टम दिखा रहा है तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको क्लेम करना है कंपेंसेशन कमिश्नर के सामने, आपको क्लेम करना है कंपेंसेशन के लिए, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो कमिश्नर होता है वर्कमैन्स कंपेंसेशन कमिश्नर, तो उसको अपॉइंट करने का अथॉरिटी किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो वो जो कमिश्नर होता है ये सब उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है।
पहला क्राइटेरिया ये है कि ए मेंबर ऑफ द स्टेट जुडिशियल सर्विस विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। स्टेट जुडिशियल सर्विस का कोई भी मेंबर हो या फिर फॉर्मर मेंबर भी हो सकता है, उसके साथ साथ उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें, और कोई एडवोकेट या फिर प्लेडर होना चाहिए, इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और थर्ड केस है ए फॉर्मर गैजेटेड ऑफिसर फॉर 5 ईयर्स हैविंग क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर फॉर्मर होगा जिसका भी 5 साल का एक्सपीरियंस ये तीनों फील्ड में होगा, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो भी अपॉइंट करना है उसका क्राइटेरिया। तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, पर ये एक्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं सारे पोर्शन को कवर किया हूँ। आपको ज़्यादा और इससे ज़्यादा स्क्रीन्ड कंटेंट्स आपको नहीं मिल सकता, बहुत ही शॉर्टकट में बनाया हूँ, इसीलिए ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है, फिर भी वीडियो काफ़ी है आपका कोई भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मेरा आशा ये है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम इस एक्ट से अगर कोई भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी एक क्वेश्चन छूट ना जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी है यह सब इंक्लूड किया हुआ है। तो उसके बाद आते हैं लास्ट, यह है लास्ट स्लाइड इस वीडियो का। तो पेनल्टीज़ में है, ये सारे केसेस में आपका मिनिमम 50,000 अमाउंट और मैक्सिमम 1 लाख अमाउंट एज फाइन देना है। तो केसेस क्या है, फेल्यूर टू इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ देयर राइट टू गेट कॉम्पेंसेशन। ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉयज़ का जो भी कॉम्पेंसेशन है उसका राइट आपको उसको इन्फॉर्म करना है कि आपका कॉम्पेंसेशन ये है। तो अगर आप फेल्योर होते हैं उस केस में इन्फॉर्म करने में, तो मिनिमम आपको 50,000 और मैक्सिमम आपको 1 लाख देना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं फेल्योर टू सेंड स्टेटमेंट ऑफ फटल एक्सीडेंट्स टू द एम्प्लॉयर कॉम्पेंसेशन कमिश्नर, एम्प्लॉयज़ कॉम्पेंसेशन कमिश्नर, और फेल्योर टू सेंड ए रिपोर्ट ऑफ फटल एक्सीडेंट। कोई भी फटल एक्सीडेंट अगर हो गया तो उसका स्टेटमेंट और रिपोर्ट अगर आप सेंड नहीं करते, फेल हो जाते हैं सेंड करने में, तो उस केस में भी आपका मिनिमम फाइन 50,000 और मैक्सिमम फाइन 1 लाख, 50,000 से 1 लाख तक आपका फाइन पड़ सकता है। और लास्ट केस में क्या है, फेल्योर टू फाइल रिटर्न, जो भी रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है उसको, उसमें भी अगर आप फेल कर गए, वो भी अगर आप फाइल नहीं किया, तो उस केस में भी आपका मैक्सिमम मिनिमम फाइन 50,000 एंड मैक्सिमम फाइन 1 लाख हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई केस में आप डिले के लिए जस्टिफाई नहीं करते, ये पहले भी मैं बताया था, तो उस केस में आपको 50% आपको देना पड़ सकता है, जो भी कॉम्पेंसेशन अमाउंट, सपोज़ 1 लाख अमाउंट आपका कॉम्पेंसेशन हो गया तो आपको देना पड़ सकता है 1.5 लाख। ठीक है, 50% ज़्यादा देना पड़ सकता है फाइन के हिसाब से। तो ये हो गया आपका पेनल्टीज़। मैं तो तैयारी नहीं किया था, जो आपका 4 शेड्यूल भी है इसमें, तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा 4 शेड्यूल, और अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, वो 4 शेड्यूल मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। अगर कोई भी सजेशंस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो यही आपका और मेरा भी नॉलेज ज़्यादा बढ़ाएगा, जो भी इंटरेक्शंस होता है टीचर या फिर स्टूडेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, तो उसी से ही नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।